टी20आई वर्ल्ड कप 2024 के ग्रुप मैच में आज न्यूयॉर्क स्टेडियम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। यह ग्रुप ई मैच में मैच नंबर 19 है। वर्तमान में डेब्यूटेंट यूएसए पाकिस्तान पर अपनी शानदार जीत के कारण ग्रुप ए में टॉप पर है। वहीं भारत आयरलैंड को अपने पिछले मैच में हराकर दूसरे स्थान पर है। क्रिकेट की दुनिया में यह मुकाबला दो एशियाई टीमों के बीच है, जो कि हाई प्रोफाइल मैच हो सकता है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का यह टी20आई वर्ल्ड कप मैच 9 जून 2024 को खेला जाएगा। यह मुकाबला न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में भारतीय समय अनुसार रात 8 बजे खेला जाएगा। हेड टू हेड की बात करें तो वनडे और टेस्ट के विपरीत भारत टी20आई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में केवल 12 बार भिड़ा है, जिसमें से भारत ने 9 जीता है और पाकिस्तान 3 बार जीत सका है। मेंस टी20आई विश्व कप में भारत ने दुबई में 2021 संस्करण में आने वाली 7 दशकों में अपनी एकमात्र हार के साथ 6 मैच जीते हैं। आखिरी बार जब वे नवंबर 2022 में मेलबर्न में टी20आई विश्व कप में मिले थे, तब विराट कोहली की मास्टर क्लास के बदौलत भारत ने पाकिस्तान को रोमांचक मैच में हराया था। भारतीय टीम की फॉर्म की बात करें तो रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारत ने टी20आई विश्व कप 2024 में शानदार शुरुआत की है और शुरुआती मैच में आयरलैंड को हराया है। अर्शदीप की नई गेंद के जहरीले जादू से लेकर रोहित शर्मा के शानदार अर्धशतक तक सब कुछ भारत की योजनाओं के अनुसार हुआ, क्योंकि उन्होंने आयरिश को अपेक्षित तरीके से आगे बढ़ाया। जहां बुमराह, पांड्या, जडेजा और अक्षर ने गेंद से शानदार प्रदर्शन किया, वहीं बल्ले से खिलौप रहे विराट कोहली कट्टर प्रतिद्वंदियों को खिलाफ अपना एक गेम बेहतर करने के लिए उत्सुक होंगे। निगाहें सूर्य कुमार यादव और ऋषभ पंत की तेज तरार जोड़ी पर भी होगी, जो तेज तरार स्ट्रोक खेल से विपक्षी टीमों को बेचैन कर सकते हैं। दूसरी ओर पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ अपनी चौंकाने वाली हार के बाद बयान देने के लिए बेताब होगी। बाबर आजम की शमशाद्य पारी के अलावा नई गेंद से शाहीन अफरीदी और मोहम्मद आमिर की अप्रभाविता एक महत्वपूर्ण कारक थी, इसके कारण पाकिस्तान की विनाशकारी हार हुई। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान और फखर जमान जैसे खिलाड़ी जो यूएसए के खिलाफ बुरी तरह विफल रहे, उन्हें कमर कसनी होगी और बल्ले से प्रभावशाली प्रदर्शन करना होगा। इसके अलावा यह देखते हुए कि पाकिस्तान के लिए एक जरूरी मैच है, मैन इन ग्रीन आजम खान को बाहर कर सकता है, जो हाल ही में टी20आई में उनकी सबसे बड़ी मुश्किल रही है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो न्यूयॉर्क की पिच गलत कारणों से सुखिया बटोर रही है। उछाल की असंगत प्रकृति के कारण उसे असुरक्षित करार दिया गया है। साउथ काउंटी क्रिकेट ग्राउंड पर प्रतियोगिताओं का शीर्षक काफी हद तक गेंदबाजों, विशेषकर तेज गेंदबाजों के पक्ष पर रखा गया है। 4 मैचों के बाद आयोजन स्थल पर सबसे बड़ा स्कोर 137 है, जो 7 जून को आयरलैंड के खिलाफ कनाडा द्वारा बनाया गया विजयी स्कोर था। शनिवार को दक्षिण अफ्रीका ने नीदरलैंड के खिलाफ 104 रन का लक्ष्य हासिल किया और केवल 2 विकेट और 8 रन बनाकर वहां पहुंच गया। शनिवार के खेल के लिए उपयोग की जाने वाली पिच रविवार को पेश की जाने वाली पिच होने की संभावना है, जिससे यह अधिक गेंदबाजों के अनुकूल और 2 गति वाली हो जाएगी। टॉस यहां पे काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। वेदर रिपोर्ट की बात करें तो नसाउ काउंटी स्टेडियम में अब तक हुए 4 मैचों में से कोई भी बारिश के कारण बाधित नहीं हुआ है। दुर्भाग्य से रविवार 9 जून को नसाउ काउंटी में बारिश की भविष्यवाणी है। स्टेडियम में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक बारिश की भविष्यवाणी की गई है, जिससे टॉस में देरी हो सकती है। सुबह 10 बजे के बाद मौसम साफ होने की उम्मीद है, जो दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर है। भारत की संभावित एकादश की बात करें तो विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव, शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह खेल सकते हैं। अपनी टीम में कुलदीप यादव के होने के बावजूद भारत अक्षर पटेल की हरफनमौला क्षमता और अमेरिका में बाएं हाथ के ऑफ स्पिनरों के खिलाफ पाकिस्तान के हालिया संघर्ष को देखते हुए उन्हें ही खिला सकती है। पाकिस्तान की संभावित एकादश देखें तो बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, उस्मान खान, फखर जमान, इफ्तिकार अहमद, सदाब खान, इमाद वसीम, शाहीन अफरीदी, हरीश रौफ, नसीम शाह और मोहम्मद आमिर खेल सकते हैं। इस बीच मैन इन ग्रीन आजम खान को उनके खराब फॉर्म के कारण बाहर कर सकती है और उनकी जगह इमाद वसीम को टीम में शामिल कर सकती है। अगर इमाद साइड स्ट्रेन की चोट से उबर नहीं पाते तो आजम पाकिस्तान के प्लेइंग 11 पे बने रह सकते हैं। ICC T20I वर्ल्ड कप 2024 का 19वां मैच भारत और पाकिस्तान के बीच आप स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। वहीं इसका लाइव स्ट्रीमिंग डिज्नी प्लस हॉटस्टार में होगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये दोनों एशियाई टीमों में आज का मैच कौन जीतेगा, भारत या पाकिस्तान? नीचे कमेंट करके बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।